नाला सुपार के पान वालों की दुकान पर जब रेड पड़ी तो उसके यहाँ गुटखा बरामद हुआ। जब उनसे पूछा गया कि ये गुटखा कहाँ से लेते हैं, उसके बाद ये बताया कि गुटखा हम आमिर नाम के व्यापारी से लेते हैं, जिसकी पुलिस स्टेशन में सेटिंग है, वही हमें गुटखा देता है। खुल्लम खुल्ला बोलता है, किसी का डर नहीं है, तुम लोग गुटखा बेचो, मुझे हफ्ता दो, तुम लोग को कुछ नहीं होगा। वो हमसे हफ्ता लेता है। एक पान वाले ने तो ये तक कह दिया, हम बड़े साहब को 11,000 रुपए महीना देते हैं गुटखा बेचने के लिए। आप वीडियो में देख सकते हैं और सुन सकते हैं नाला सुपारा पुलिस की करतूत। जब सामने कंट्रोल रूम में फोन करके पुलिस को बुलाया, पुलिस ने आने में इतना लेट किया कि 40 मिनट बीत गए, तब तक वहां लोग अपना माल हटा चुके थे। और उसके बाद हमने एसपी को फोन किया, पालघर से बात किया, तब जाकर वहां पुलिस आई और हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए। एक विमल दो ना, विमल लेके जाने शाम को भूल जाता, भूल गया विमल दो ना, बस जाओ हो गया। हां ये रिक्शा स्टैंड पे है, मतलब शाम को देखता हूं ना, लाते आज मैं नहीं दिया, नहीं दे रहा हूं, आपके फ्रेंड को करने का निकल गया, कल कुछ नहीं मिलेगा, इसको रखे इनके पास और दो हैप्पी डेंट भी दे दो। राइट, हां कोई भी दे दो, ठीक है। और कौन सा गुटखा है भाई, और कौन सा गुटखा है, और कौन सा चाहिए, सेटर है, हिक्का है, हिक्का है, और बस राजनिवास है, हिक्का है, गुटखा बेचने का अलाउड है आपको, गुटखा बेचने का अलाउड है, कौन दिया आपको अलाउड, कौन दिया आपको अलाउड, अलाउड कौन दिया आपको, आपको अलाउड किसने किया गुटखा बेचने का, हफ्ता देते है भाई, किसको हफ्ता देते हो, आपको बड़े साहब को, बड़े साहब को, पुलिस वाले को, पुलिस वाले को, कितना हफ्ता देते हो आप, कितना हफ्ता देते हो, 11,000, 11,000 रुपये, छोटा यार, क्या नाम है आपकी दुकान का भाई, दुकान का नाम क्या है, Thank you.
पार्किंग